नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। दिल्ली हिंसा को लेकर अब जब पुलिस जागी 3 दिन बाद, तो उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी हैं। रिटायरमेंट कल है अमूल्य पटनायक का, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का, लेकिन कमान उनसे आज ही ले ली गई और SN श्रीवास्तव जो बनाए गए थे स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर, उनको दिल्ली पुलिस का कमान दे दी गई है, वो पुलिस कमिश्नर होंगे अगले। इसके साथ ही करीब 130 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, धरपकड़ का सिलसिला जारी है, 48 FIR अब तक दर्ज हो चुकी हैं और हिंसा में जो लोग शामिल थे, जो उपद्रवी शामिल थे, उनके बारे में पूछताछ, CCTV खंगालना, ये सारी चीज़ें जारी हैं। इस सबके बीच जो सबसे बड़ा विलेन बन के इस वक्त उभरा है सामने, आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन के दावों और अंकित शर्मा की जो निर्मम हत्या हुई है, जो IB के कर्मचारी को जो मारा गया है, उसको लेके माहौल बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है और लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं उस पर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अंकित शर्मा के शव के पोस्टमार्टम के बाद जो तस्वीर आई सामने, जो कहानी बयान हुई, उसमें ये था कि 400 से ज़्यादा वार उनके शरीर पर चाकुओं से किए गए, जिसको शरीर का कोई कोना ऐसा नहीं था जिसको चाकुओं से ना गोदा गया। और इसको भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने भी आज ट्वीट किया है कि किस बर्बर तरीके से उनके साथ सलूक हुआ। अंकित शर्मा की हत्या में नामजद है ताहिर हुसैन। ताहिर लगातार ये कह रहे हैं, ताहिर का जो दावा है कि मेरे घर पे 24 तारीख को उपद्रवी घुस आए थे और मैंने गेट तोड़ के मेरे घर में घुस आए थे और मैंने उनको भगाया था वहाँ से। और दूसरा उसका दावा है कि 24 तारीख को वो अपना परिवार लेके उस मकान से चला गया था और उसके बाद 25 तारीख को दोबारा दंगाइयों ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया उसकी गैर मौजूदगी में, और फिर जो बरामदगी वहाँ पर हुई, पेट्रोल पम्प, सारे पत्थर वगैरह वगैरह, ये सारे उसका कहना है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये 25 तारीख को उपद्रवी फिर से वहाँ आ गए थे और उन्होंने वहाँ पर कब्जा करके हिंसा फैलाई। ताहिर की कहानी में कई झोल हैं। सबसे बड़ी बात कि ताहिर का ये दावा कि मैं 24 तारीख को लोगों को वहाँ से भगा रहा था। आप कल्पना कीजिए कि एक हिंसक भीड़ जो मरने मारने पर आमादा हो और वो आपके घर में, मान लीजिए, फर्ज करते हैं कि घुसी गेट तोड़कर, तो नंबर एक बात तो वो आपके घर में ही क्यों घुसी, वहाँ और किसी घर पर कब्जा करने की कोशिश क्यों नहीं हुई, एक बात। दूसरी बात, ताहिर का जो वीडियो अब तक सामने आया है जिसमें डंडा लेके अपनी छत पर टहल रहा है, उसमें कहीं वो संघर्ष करता दिखता नहीं है उपद्रवियों से, कहीं भिड़ता नहीं दिखता है। दूसरा, मैं जो आपसे कह रहा था कि जो हिंसक भीड़, जो मॉब, जिस तरीके का बिहेवियर था उसका, वो मॉब उसके रास्ते में जो भी आड़े आएगा, क्या वो उसको नहीं मारेगा? इस पूरे संघर्ष में, मतलब एक भीड़ को अकेले ताहिर ने एक डंडे से भगा दिया अपने घर से और ताहिर पर एक ज़रा सा भी कहीं हमला नहीं हुआ, उसको एक थप्पड़ भी किसी ने नहीं मारा। पुलिस इस जो पूरी कहानी है उसकी, उसको इस एंगल से भी देख रही है कि आखिर ताहिर के साथ कुछ क्यों नहीं हुआ। नंबर दो, ताहिर कहता है कि मैं परिवार लेके और पुलिस की सुपुर्दगी में अपना मकान देके वहाँ से चला गया था किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने के लिए। परिवार के साथ हमें यहाँ से सुरक्षित बाहर भेज दिया गया था, हमसे कह दिया था कि आप यहाँ से अपने किसी सेफ जगह हट जाइए, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग पे दोनों तरफ से कोई भी आदमी इस पे दोबारा से खतरा या बवाल ना हो सके, आपकी जान आप सकती है। पूरा इलाका सारे पड़ोसी चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस पूरे दंगे में ताहिर हुसैन का हाथ है। ताहिर ने अपने बयान में एक बात ये भी अपने पक्ष में बोली है कि अगर मेरा इंटेंशन खराब होती तो मैं हिंदुओं की बस्ती के बीच में आके क्यों रहता। तो एक तो ये बड़ा अजीबोगरीब बयान है कि ये भी कोई एक एहसान हुआ कि अगर वो हिंदुओं के बीच में आके रहने लगा, ये मतलब इसका कोई तर्क समझ में नहीं आता इस बात का। नंबर दो, तुम वहाँ के सभासद थे, वहाँ के पार्षद हो, सबसे पहले तो आप ये कह रहे हैं मैं दंगे रोकने में जुटा था, उसकी कोई भी एक्टिविटी 24 तारीख से ऑनवर्ड सड़क पर कहीं भी एक भी एक्टिविटी ऐसी नहीं दिखी है जिसमें वो सड़क पर उतर के दंगाइयों को रोकने का प्रयास करता हुआ दिखा हो, या जो वो अपने आप को बहुत महानता का प्रतीक बताता है कि मैं हिंदुओं के बीच में रह रहा था, उन हिंदू बस्तियों में जो हमले हो रहे थे, जो उसके वोटर थे जिन्होंने उसको चुना था, उनके बीच में जाकर उनकी रक्षा करने के लिए
या उनको संभालने के लिए वो कहीं संघर्ष करता नहीं देखा, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि था, इसकी उससे अपेक्षा इस बात की ज़्यादा थी। वो अपने परिवार को लेके एक किसी दोस्त के यहाँ चला गया और फिर बकौल ताहिर उसका पूरा इलाका आग में जल गया, लोग बर्बाद हो गए और वो नहाने के लिए अपने कपड़े बदलने के लिए वापस 25 तारीख को आया, ऐसा उसका कहना है कि मैं अपने कपड़े लेने आया, मुझे नहाना धोना था। तो एक तो आप ये देखिए कि अगर वो वाकई जनप्रतिनिधि था तो ऐसे नाकारा और बेकार जनप्रतिनिधि का तो मतलब भी नहीं था, लेकिन उसके ये जो बयान हैं और उसके बरक्स जो वहाँ के लोग कह रहे हैं, आखिर एकाएक एक रात में लोगों की उससे ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि कल तक जिन्होंने उसको चुना था, या जो वो अपने आप को जैसे कहता है कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, अपने बच्चों की कसम खा रहा है, अपने बच्चों की सौगंध खाता हूँ, मैं इस तरह की हरकत, इस तरह की घटिया राजनीति कभी ना मैंने करी है और ना मैं कर सकता हूँ। उसके पक्ष में एक भी आदमी उस पूरे इलाके का बोलने को तैयार नहीं है, सब एकाएक उसके दुश्मन कैसे बन सकते हैं, सब उसके खिलाफ बोलने लगे कि हाँ ताहिर हुसैन इसमें शामिल था। फिर वहाँ पर जो बरामदगी, एक बड़ी गंभीर खबर जो अब आई है, एक लड़की के कपड़े उसके मकान से बरामद हुए हैं, उसकी लाश नाले से मिली, जिसमें आरोप है कि गैंग रेप करके उस लड़की को मार दिया गया और उसको फिर नाले में फेंक दिया गया। आरोप यह है कि ताहिर के मकान में 4 लोगों की हत्या हुई, उनको खींच खींच के अंदर लाया गया, उनके साथ बर्बरता हुई और पास के नाले में उनको फेंक दिया गया। तो ताहिर का ये जो पूरा बयान है उस पर अगर हम गौर करते हैं और बात करते हैं तो उसमें तीसरा एक पेज ही नज़र आता है। 24 तारीख को फर्ज कर लेते हैं कि उसका गेट तोड़ के लोग अंदर घुसे, उसके बाद उसने एक डंडे के सहारे सिर्फ, जिसमें उसका कोई, उसके साथ कोई हिंसा नहीं हुई, कमाल की बात ये देखिए, उसके परिवार के साथ कोई हिंसा नहीं हुई, वो आराम से वहाँ से चला गया और लोग भी भाग गए सारे के सारे। उसके बाद 25 तारीख को उसका गेट तब भी खुला रहा। अगर मान लीजिए कि मुझे अपने घर को आपके घर में बदुंगा रिश्ते हैं और आपको अपना घर सेव करना है तो नेचुरली आप ज़्यादा प्रिकॉशन लेंगे, 4 ताले ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन उसके बाद अगले दिन वो वहाँ पर घुस गए और वो मासूम बन के घूमता रहा कि साहब मैं क्या करूँ, मेरे घर पे दंगाई कब्जा कर चुके हैं, मैं वहाँ पर नहीं। इस सिलसिले में उसने 2 वीडियो भी बनाए हैं, उसमें कुछ कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं, अब उनकी सच्चाई परखी जा रही है। इसके साथ ही एक जो बड़ा फैक्ट अभी सामने आ रहा है अब तक की जांच में, उससे भी मैं आपको वाकिफ कराऊं, वो ये कि आखिर ये दंगा, आखिर ये हिंसा 23 तारीख को ही क्यों भड़की। तो इसको तो एक तो बहुत बड़ा वर्ग ये कोरिलेट कर रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान भारत की इमेज खराब करने के लिए इस तरह के प्रयास किए गए, और ताकि विश्व में एक ये संदेश जाए कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों का, खासतौर पर मुसलमानों का दमन हो रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो असली बात है वो ये है कि जब जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे बेसिकली पथराव की शुरुआत हुई थी, जहाँ वो औरतें धरने पर बैठ गई थी शाहीन बाग की तर्ज पर, और कपिल मिश्रा वहाँ पर पहुँचे थे उनके हिंदुओं की भीड़ लेकर, साफ साफ कहा जाए तो जो CAA समर्थक हैं उनकी भीड़ लेकर। 23 तारीख को ही भीम आर्मी का भारत बंद था, और जो अब नई बात निकल के ये आ रही है कि भीम आर्मी के समर्थक जब कपिल मिश्रा वहाँ जाफराबाद पे पहुँचे हुए थे, वो जो बोल रहे थे वहाँ पर, भीम आर्मी के 12-13 लड़के जो बाज़ार बंद करवाने की कोशिश में सड़कों पर टहल रहे थे, उनसे उनकी हॉट टॉक्स हुई, उनसे उनका टकराव हुआ। बात पहले टकराव तक थी, उसके बाद वो लड़के वहाँ से चले गए। उसके बाद एक और बड़ी भीड़ के साथ वो वापस लौटे और उन्होंने कपिल मिश्रा उसके समर्थकों पर पत्थरबाजी की, और उसके जवाब में फिर उन लोगों ने वहाँ से पथराव किया। वस्तुतः हिंसा की शुरुआत यहीं से हुई है, जिसमें भीम आर्मी के लोगों का नाम अब दिल्ली पुलिस के सामने आ रहा है, जो जहाँ से इनिशिएट हुई है हिंसा। इसमें कपिल मिश्रा को क्लीन चिट नहीं मिल जाती है उनके अपने बयान को लेकर, लेकिन जो पहला पत्थर चला है वो बताया जा रहा है कि भीम आर्मी यानी जो CAA विरोधी ग्रुप था उनकी ओर से चला था। तो खैर, अब इसमें देखते हैं जांच कैसे से आगे बढ़ती है और क्या क्या इसमें नए फैक्ट्स निकल के आते हैं। और ताहिर की स्टोरी, माना यह जा रहा है कि ताहिर गिरफ्तार होगा, और ताहिर की जो स्टोरी है वो कितनी फैब्रिकेटेड है, अब इससे पूछताछ के बाद क्या खुलासा आता है, इसको लेकर हम नए अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।